उसकी दौड़ इस पर्वत के नीचे तक रहेगी। आज तो आपका मुझसे पराजय माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। सज हेल्प, सज हेल्प, सज हेल्प, सज हेल्प। भगवान सूर्य नारायण जी, आज शोन के कारण आपकी जीत हुई। उसकी रक्षा करने हेतु मुझे जाना होगा, किंतु आज नहीं तो कल मैं आपको पराजित अवश्य करूंगा। माता के लिए है, तुम्हारी इस प्रतियोगिता के लिए नहीं। शोन, तुमने लंगोट क्यों नहीं पहनी? इसे पाकर प्रसन्न तो होंगी ना? ओ, शोन, कैसे अश्व चला रहे हैं ना? वो महोदय अशोक ने अश्व महोदय को दौड़ा रहे हैं। अब तुम शीघ्र करो, अन्यथा माता तुम्हें इन्हीं की तरह दौड़ाएगी। हाँ हाँ, माता का सारा क्रोध तो केवल मुझ पर ही आता है। चलो, चलो।
गए थे तुम? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, सूर्य नारायण सच पर है, मुझे नहीं किया अभी तक। कितनी बार मैंने कहा है तुमसे शो कि इस तरह बिना बताए मत जाया करो, मेरी मेरी प्राण निकल जाती है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, कितनी बार कहा है? कल कहा था, मंगलवार को दो बार कहा था, और उसके पहले तुम तो प्रतिदिन कहती हो माता, इतना छोटा बालक इतनी बड़ी गिनती कैसे याद रख सकता हूँ? दोबारा ऐसे मूर्खतापूर्ण साहस करने का प्रयास भी मत करना, समझे? चलो अब भोजन करो। पहले दोनों को अपने ताऊ के पास तो आने दो राधा। आओ बच्चों आओ। मैं नहीं आ सकता। क्यों? माता ने सांस करने से मना किया है। साहस? साहस तो हृदय में होता है, या नहीं होता? शोन, ताऊ को प्रणाम करो, फिर हाथ धो लेना, मैं भोजन परोस रही हूँ। राधा श्री, शोन, कर्ण, बच्चों तुम्हारे ताऊ बड़ी दूर चंपानगर से बधा रहे हैं, प्रणाम करो। प्रणिपात। तुम्हें तुम्हारी माता साहस करने से मना नहीं करती है कर्ण? नहीं, माता मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करती। जॉन, आ जाओ भोजन कर लो। अरे पुत्र कर्ण, तुम भोजन नहीं करोगे? मैं पिताश्री के साथ भोजन करूं। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अपने हाथों से भोजन करता हूँ, माता को खिलाना नहीं पड़ता। कर्ण को मेरे साथ बैठकर भोजन करना प्रिय है राधाश्री। नहीं, 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 नहीं। बालक जब तक गुरुकुल नहीं जाता तब तक माता को स्वयं अपने हाथों से भोजन कराना उचित है। मैं स्मरण है ना सुशेन, हमें माता किस तरह अपने हाथों से भोजन कराती थी? और ये भी स्मरण है कि आप चोरी चोरी सारा गुड़ खा जाते थे। वही तो बालपन का आनंद है। पुत्र कर्ण, जाओ अपने माता से कहो, उसके जेठ जी का आदेश है, वो तुम्हें अवश्य भोजन कराएंगे। जाओ। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ, आपके जेठ जी का आदेश है। माता हम दोनों को एक ही थाली में खिला देगी।
कोई आवश्यकता नहीं है। सुन, आज से तुम भी अपने हाथों से भोजन करो। दोनों 9 वर्ष के तो हो गए हो, गुरुकुल जाने का समय निकट है। और अगर भोजन गिरा है तो चपट खाओ, याद रखना। किंतु मेरे हाथ से तो भोजन गिरेगा ही, मुझे कहा हाथ से खाने का अभ्यास है। अब इसे चपट लगा दो। देने वाला मेरा, माता ने अपने हाथों से बनाया है ना। मुझे बहुत अभ्यास है, मैं सिखा देता हूँ। एक हाथ से कैसे होगा भ्राता, तो दोनों हाथों से खा लो। देखो ताऊ को गांव दिखाओगे? और उसके बाद मैं तुम दोनों को गांव के बाहर खड़ा मेरा हाथ दिखाऊंगा। रथ है मेरे पास, अंधकार में प्रकाशित हो जाता है। स्वयं स्वयं तुम्हारे लिए है लो। अब प्रातकाल अश्वपति थे ना, हमने आपको देखा था। अच्छा, तो फिर ये भी देखा होगा कि मैं अश्व विद्या के कैसे कैसे दाव कर रहा था। या, वो अश्व आपसे कैसे कैसे दाव करवा रहा था ताऊ? तुम्हें वो दिखता है जो है नहीं। दिव्य हो तुम? दिव्य? तुम जानते भी हो दिव्य क्या होता है? राधाकांत, ताऊ को मणि दिखाइए ना। मणि? भ्राता कर्ण माता के लिए मणि लाए है, इतना लाल मणि अवश्य दिव्य होगा। बताओ बताओ बताओ। पुत्र करण, ये मणि मूल्यवान है, केवल
दिव्य नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं दिव्य क्या होता है। आओ उतरो। कैलाश की तलाई में यक्ष सुमंगल का सामना भगवान शंकर के पिशाचों के साथ हुआ तो पिशाचों ने उसे बंदी बना लिया। फिर एक एक करके उसके सारे अंग काट दिए। सुमंगल चीखता रहा किंतु पिशाचों के मन में दया का भाव नहीं आया। दिव्यता तो केवल कथाओं में होती है, वास्तव में दिव्य देखा किसने है? ताऊ, वो क्या है? ना 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 ना, ये तुम्हारे स्पर्श करने की वस्तु नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने मित्र क्षत्रिय हैं? दुर्गम विशालक महाकाय। बस नाम कहने की आवश्यकता नहीं, तुम उनको और उनके पिताओं को ये दिव्य रथ दिखाने के लिए रात को बुलाओ। मैं तब तक इस दिव्य रथ से घोड़ों को बांधता हूं। ताऊ, उन सबको भी आप ऐसे ही मूर्ख बनाएंगे? कुछ लोगों को मूर्ख भगवान बनाकर बेचता है, मैं तो केवल लाभ लेता हूं। शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, जाओ बुलाओ। राधा खान, आप इस दिशा में जाइए, मैं उस दिशा में जाता हूँ। अब चलिए, नहीं तो सबको बुलाते बुलाते अंधेरा हो जाएगा। इसलिए तो सबको एक साथ बुलाते हैं। सर्वे भवन्तु सर्वान्ति। ठीक है पिताजी, अब क्या कल करेंगे? कर्ण ने बुलाया है। और तुम हमारा एक बाकी अभ्यास कल करते हैं पिताश्री, कर्ण ने बुलाया है। अरे दुर्गम पुत्र कहाँ चले गए?
किंतु मेरे ताऊ जो कथा सुनाते हैं वो दिव्य दिव्य नहीं, ऐसा कहते हो? देखो स्वयं देखो। ये क्या है महादेव? इस दिव्य रथ को केवल सच्चे मन से ही स्पर्श कर सकते हैं। यदि इस यंत्र को किसी ने स्पर्श किया तो कैलाश के तलाई में रहने वाले पिशाच तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। किंतु वो पिशाच तो जल गए थे ना? यक्ष मंगल के मंत्र जल से? बहुत पिशाच हैं भगवान शिव जी के पास। तो चार जल गए तो क्या, दूसरे भेज देंगे? बालको देखो, दिव्य रथ देखो, जाओ जाओ बालको, दिव्य रथ को देखो, जाओ देखो देखो देखो। इन बालकों को दिव्य रथ का क्या मूल्य? आपने तो देखा है, इस दिव्य रथ का प्रकाश देखा है। मैं सुशेन का बड़ा भ्राता ब्रह्मचारी सन्यासी, बड़ी कठिन तपस्या के पश्चात मैंने ये दिव्य रथ प्राप्त किया। मैं आप सब कुछ दिव्य रथ की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक यक्ष राज हुआ करते थे। तुमने कोई पिशाच देखे शान? नहीं, किंतु मुझे किसी पिशाच का भोजन नहीं बनना। पिशाचों का भोजन तो हम इससे ही बनाएंगे, हम तो केवल पिशाचों के दर्शन करने जा रहे हैं। हमें पिशाच देखने हैं महोदय। स्पर्श करने से पिशाच आते हैं क्या? स्पर्श मत करना उसे। कूद जाओ, कूद जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.